तो हेलो गाइस, ट्रिप गोगू की पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि गोहान और हिट के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और फिर इस लड़ाई में गोहान जीत जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरी टाइमलाइन में, जहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आकर गॉड ऑफ स्पेस को मार देते हैं और अब उनका सामना होता है एलियन एक्स से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है अनदर टाइमलाइन से, जहां पर ग्रैंड ब्रिस्ट और एलियन एक्स आमने सामने होते हैं। एलियन एक्स कहता है, तो तुम एक प्योर एंजल हो, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। ग्रैंड ब्रिस्ट बोलते हैं, हाँ, और अब तुम अपने बारे में बताओ। एलियन एक्स कहता है, मैं एक सेलेस्टियल सेपियन हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुमने जिन्हें खत्म किया है उनमें से एक मेरा बेटा था। एलियन एक्स बोलता है, ओ मुझे माफ करना, मगर मुझे ऐसा करना पड़ा। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहते हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया। एलियन एक्स कहता है, क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में कमजोरों को बस सहना पड़ता है, तो अपनी किस्मत को वो बदल नहीं सकते। ग्रैंड ब्रिस्ट को एलियन एक्स पर काफी गुस्सा आता है और वो एलियन एक्स पर एक कीबोल मारते हैं, मगर उस कीबोल से एलियन एक्स को कुछ भी नहीं होता। एलियन एक्स बोलता है, देखो, अपने ओपोनेंट से लड़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। ग्रैंड ब्रिस्ट को अब एलियन एक्स पर और गुस्सा आता है और वो एनर्जी मारते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन उस धमाके में एलियन एक्स को कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक इमोर्टल बीइंग है। तभी एलियन एक्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट पर एक जोरदार धमाका होता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट को भी उस धमाके से कुछ नहीं होता। एलियन एक्स कहता है, क्या ये सर्वाइव कर गया, मगर कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट एलियन एक्स को काफी सीरियस तरीके से देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ पर इमोर्टल हो? एलियन एक्स कहता है, तुम्हें लगता है मेरी रेजिंग पावर के बारे में नहीं पता। तभी एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट को टाइमलाइन से मिटाने की कोशिश करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट पर एलियन एक्स की पावर का असर नहीं होता। एलियन एक्स कहता है, ये नामुमकिन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये टाइमलाइन तुम्हारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा ज्यादा कंट्रोल है। इतने में ग्रैंड प्रिस्ट एक मीटियोर एलियन एक्स के मारते हैं, मगर एलियन एक्स उसे अपने हाथ से रोक लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब एलियन एक्स पर अपना फ्रीजिंग स्पेल यूज कर देता है, जिससे एलियन एक्स जम जाता है, मगर तभी एलियन एक्स उस फ्रीजिंग स्पेल से आजाद हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट एलियन एक्स की पावर देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, ये लगता है नहीं मरने वाला है। एलियन एक्स कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या क्या कर सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, क्या ये पागलों जैसे सवाल क्यों कर रहा है? एलियन एक्स बोलता है, मुझे जानना है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मैं किसी को भी बड़े आराम से इरेज कर सकता हूँ। एलियन एक्स कहता है, क्या तुम टाइम को रोक सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, और मैं रियलिटी को भी बदल सकता हूँ। एलियन एक्स कहता है, तभी मैं सोचूं कि मेरी पावर तुम्हारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही है, मगर मुझे बताओ, क्या तुम क्रिएशन कर सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मगर मैं कुछ चीजों को क्रिएट कर सकता हूँ। एलियन एक्स पूछता है, कुछ चीज मतलब? तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं क्या बना सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? एलियन एक्स बोलता है, हाँ, और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर से एक प्रिजन एनर्जी बनाता है, जिसमें वो एलियन एक्स को कैद कर लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एलियन एक्स कहता है, ये क्या है? अब एलियन एक्स एनर्जी से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो निकल नहीं पा रहा होता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ पर फंस चुके हो, ये एक पवित्र एनर्जी है, जहाँ पर ताकत का कोई काम नहीं है, ये एक जेल है जहाँ पर तुम्हें सजा मिली है, जब तक तुम अपने आप को साबित नहीं कर देते हो
तुम इस प्रिजन एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। अब सीन जाता है ट्रिप गोकू की टाइमलाइन में और गोहान की जीत की खुशी में चीची को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, गोहान तुमने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड। गोहान कहता है, शुक्रिया मॉम। चीची कहती है, तुमने तो साबित कर दिया है कि तुम ही सबसे स्ट्रॉन्ग हो। गोहान कहता है, अभी नहीं मॉम, अभी तो और भी फाइट बाकी है। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस कहता है, विश गोहान ने इट को बड़े ही आराम से हरा दिया, क्या कमाल का लड़का है। तभी ब्रोली बोलता है, लॉर्ड बीरस, अगर गोहान को आगे ले जाया जा रहा है तो मैं अपने घर चला जाऊं। बीरस कहता है, ना ना अभी नहीं, जब तक ग्रैंड मिनिस्टर ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहां पर जिरेन को पता चलता है कि गोहान ने हिट को हरा दिया है। जिरेन कहता है, क्या गोहान ने हिट को हरा दिया, क्या ये पॉसिबल है। टोपो कहता है, हाँ जिरेन यही सच है। जिरेन कहता है, इतने टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट, मान गए उसे। टोपो पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों ब्रोली से नहीं लड़ना चाहते हो। जिरेन कहता है, टोपो मैं ब्रोली से एक बार लड़ चुका हूँ और वो मुझे हरा चुका है। टोपो पूछता है, क्या मगर ये कब हुआ। जिरेन कहता है, अब तुम ज्यादा सवाल मत करो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताने वाला हूँ। टोपो कहता है, लेकिन तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। जिरेन कहता है, ये एक राज है, इसलिए अब तुम इस बारे में ज्यादा कुछ मत पूछो। टोपो पूछता है, मैं ये नहीं मानता कि वो सेन तुम्हारी फुल पावर को हरा सकता है। जिरेन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे अपनी फुल पावर में नहीं लड़ा, मगर उसने नॉर्मल में ही मुझे हरा दिया, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे स्ट्रॉन्ग है। टोपो पूछता है, तो क्या तुमने सही में मन बना लिया कि तुम नहीं लड़ोगे। जिरेन कहता है, हाँ तुम लॉर्ड बेलमोट को बता देना कि मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा हूँ। टोपो बोलता है, तुम चेंज हो गए हो जिरेन, तुम अब पहले वाले जिरेन नहीं रहे हो। इतना कहकर टोपो वहां से चला जाता है। टोपो की बात जिरेन के दिल पर लगती है और वो काफी दुखी हो जाता है। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो गोहान से मिलता है और कहता है, गोहान तुमने तो हिट को बड़ी आसानी से हरा दिया। गोहान कहता है, वजीटा थैंक्स कि तुमने मुझे इस टूर्नामेंट के बारे में बताया। वजीटा कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आखिर तुम हम सेंस रेस के ही ब्लड हो, तो तुम्हें तो आगे जाना ही था। गोहान कहता है, सही कहा तुमने, लेकिन इस बारी मैं सब सेंस से आगे जाना चाहता हूँ, तुमसे भी। वजीटा को गोहान की बातों पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है, मुझसे आगे और तुम। गोहान कहता है, हाँ एक बार मैं डिस्ट्रॉयर बन जाऊं तब मैं और तुम 1v1 लड़ेंगे, और याद रखना इस बारी तुम्हारी हड्डियां टूटने की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। वजीटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी गोकू आता है और कहता है, वजीटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वजीटा बोलता है, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है। गोकू अब गोहान को समझाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए है गोहान, वजीटा तुमसे उम्र में कितना बड़ा है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे फाइट कर लो। गोहान कहता है, नहीं डैड, आप तो मेरे गुरु बन गए हो और आपसे तो मैं फाइट कर चुका हूँ, मगर वजीटा से मैंने फाइट ठीक से नहीं की। वजीटा हंसकर कहता है, एक नई फॉर्म क्या हासिल कर ली, तुम तो खुद को सबका बाप समझने लग गए हो। ये याद रखना कि तुमसे लड़ते वक्त हम में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। गोकू कहता है, बंद करो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे। अब सीन जाता है चैंपा के प्लेनेट पर, जहाँ पर चैंपा को हिट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चैंपा बोलता है, हिट तुमने आज मेरी नाक कटा कर रख दी है, तुम गोहान से कैसे हार सकते हो। हिट कहता है, लॉर्ड चैंपा आप शायद गोहान की ताकत से अनजान हो, अब वो मुझसे काफी ऊपर जा चुका है। चैंपा कहता है, तुम बस समय की बर्बादी हो, तुम्हें चूज करके बेडोस ने अपना समय बर्बाद किया, इससे अच्छा तो कैल और कोलिफ्ला को हम मौका दे देते। बेडोस कहती है, कोई बात नहीं लॉर्ड चैंपा, अब आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नेक्स्ट डे
ग्रैंड प्रिस्ट विश और मार्गरिटा से टेलीपैथी में पूछते हैं, तो अब तुम दोनों के यूनिवर्स बचे हैं, अब बताओ कि क्या तुम्हारे फाइटर्स रेडी हैं? विश कहता है, जी फादर। मार्गरिटा कहती है, हमें थोड़ा समय दे दीजिए फादर, हमारी ओर से फाइटर अभी रेडी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जो भी करना है वो जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मार्गरिटा कहती है, जी फादर। अब ग्रैंड मिनिस्टर टेलीपैथी डिस्कनेक्ट करता है। विच कहता है, गुड न्यूज का समय आ गया है। बीरस पूछता है, क्या न्यूज है विच? विच बड़ी खुशी से बोलता है, लॉर्ड बीरस, यूनिवर्स 11 से जिरेन फाइट के लिए रेडी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो डर गया है और अब वो फाइट नहीं करने वाला है। बीरस कहता है, इसका मतलब अब हमारे यूनिवर्स से ही वो गॉड रेडी होगा। वाह विश, ये तो एकदम गजब की खबर सुनाई है तुमने। विश कहता है, मुझे लगता है कि अब ये खबर हमें अपने कैंडिडेट्स को सुनानी होगी, क्योंकि अब कंपटीशन उन्हीं के बीच ही होगा। बीरस अब ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं तो भूल ही गया था विश, ब्रोली और गोहान ये दोनों तो काफी पावरफुल हैं। इनकी लड़ाई में मुझे लगता है कि एक तो मारा ही जाएगा। विश कहता है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए लॉर्ड बीरस, क्योंकि मारने वाले रूल्स इस मैच में बिल्कुल भी नहीं है। बीरस कहता है, तो ठीक है, अब तुम जाकर ये खबर गोकू को दे दो, पता नहीं कि वो इनकी फाइट होने देगा या नहीं। अब सीन जाता है एलियन एक्स पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी में कैद है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो क्या तुम खुद को प्रूफ करने के लिए रेडी हो? एलियन एक्स कहता है, मैं अगर यहाँ से बाहर आ जाता हूँ तो अगले ही पल तुम मारे जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, टाइम कम है तुम्हारे पास, ये न्याय की पावर है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये छोटा होता जाएगा और जब ये गायब हो जाएगी तो तुम भी इसके साथ ही चले जाओगे। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।